वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इडियम्स एंड फ्रेजेस में आज भी हम लोगों के लिए पांच फ्रेजेस हैं, 41 से लेकर के 45 तक। 41 जो है लॉफिंग स्टॉक, लॉफिंग स्टॉक की हिंदी होती है मजाक की वस्तु। फिर 42 लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इसी का दूसरा भी नाम है बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा के रूप में शिकायत। फिर है लर्नड लेजर, इसको लेजर पढ़ते हैं, लर्नड लेजर, विद्योपार्जन का अवकाश। फिर है लेबर पेन, प्रसव पीड़ा, लेबिरिंथ, भूल भुलैया। तो देखिए पहले लॉफिंग स्टॉक, स्टॉक मतलब वस्तु कह सकते हैं आप, तो लॉफिंग मतलब हंसने वाली वस्तु या हंसाने वाली वस्तु, क्या कहेंगे इसको, मजाक की वस्तु। इन लॉफिंग स्टॉक की हिंदी हो जाएगी मजाक की वस्तु। जैसे देखिए अगर आप शहर में रहते हैं और गांव में चले गए और अपने बाल को आपने रेड कर लिया, तो आपके गांव के जो रिलेटिव्स हैं वो आपको मजाक की वस्तु बना देंगे, बोलेंगे देखो कैसा इसका बाल लग रहा है, और विभिन्न विभिन्न जंतुओं का नाम देने लगेंगे, तो आप लॉफिंग स्टॉक बन जाएंगे। उदाहरण एक हुआ। दूसरा, अभी ट्रेंड हो गया कि स्टूडेंट्स के पास सेलफोन होना चाहिए, जिनके पास नहीं होता है उसके दोस्त लॉफिंग स्टॉक बना देते हैं उस बच्चे को, तो स्टूडेंट्स विदाउट सेलफोन आर बिकमिंग अ लॉफिंग स्टॉक। विद्यार्थी जिनके पास फोन नहीं है या बिना फोन वाले विद्यार्थी लॉफिंग स्टॉक बन रहे हैं, ये है लॉफिंग स्टॉक का मतलब। आप सब अगर ध्यान से देखेंगे तो पांचों याद हो जाएगा। फिर दूसरा है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इसको बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब आदर सम्मान, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आदर, अच्छा है सम्मान। आप एक कंफ्यूज वर्ड देख लीजिए, एक है कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे और एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट की हिंदी तो आपको सामने लिख दिया है। पहले कॉम्प्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक, जो आप पढ़ते हैं मैथ्स में पूरक कॉम्प्लीमेंट, यह है। अंतर कितना है, यहाँ पर ई है और इधर एल के बाद यहाँ पे आई है, तो ई की जगह पे अगर आई किया और आई की जगह पे ई किया तो देख लीजिए इसका जो मीनिंग है कितना बदल रहा है। तो ध्यान रखेंगे कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है आई, हाँ, एल के बाद आई, जिसका होता है आदर सम्मान। तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट देते हैं हम तो लेफ्ट हैंड से नहीं देते हैं, मुस्लिम लोग भी दाहिने हाथ से सलाम करते हैं, हम लोग जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो लोग हाथ भी हैंड से भी करते हैं, हम तो राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं करते हैं। तो लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट आप समझ रहे हैं कि अनचाहा कॉम्प्लीमेंट, हमें आदर देने का दिल नहीं करता है, दिखावा के आदर हम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड या बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हिंदी है प्रशंसा के रूप में शिकायत। तो एक जो बताया उसे तो आपने समझ ही लिया, वह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ है प्रशंसा के रूप में शिकायत, मतलब हम किसी की शिकायत कर रहे हैं प्रशंसा करके, वो कैसे होता है तो देखिए यहाँ पे गांधी जी के बारे में पता है, एमके गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आप जानते हैं कि वो हमारे देश के राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। अगर हम उनको कहें कि हिंदू लीडर थे तो उनके महत्व को कम करना है, अर्थात उनको लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देना है। वो हिंदू लीडर नहीं थे, वो सबके लिए समभाव रखते थे, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है, जो भी रिलीजन्स होता है सबके लिए उनमें उनके मन में समभाव था, तो हिंदू लीडर कहना यह उनके लिए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट या बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट या प्रशंसा के रूप में शिकायत होगा। आगे बढ़ते हैं, पहला हो गया लॉफिंग स्टॉक, दूसरा हो गया लेफ्ट हैंडेड या बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। नाउ लर्न लेजर, लेजर मतलब होता है फुर्सत, मतलब पढ़ने के लिए, पढ़ा हुआ फुर्सत, चाहे पढ़ने के लिए फुर्सत। तो ये है विद्योपार्जन का अवकाश, विद्या उपार्जन का, विद्या ग्रहण करने का अवकाश। एक टीचर होता है, अगर सेम सब्जेक्ट टीच कर रहा है
तो एक दो साल में वो आउटडेटेड होता है। वो क्या करता है, इसके लिए जितना नया नया नई नई जानकारियां होती है उसे भी ग्रहण करता है। तो इसको बोलते हैं लर्न्ड लेजर। और ग्रहण करने के लिए उसको अपने काम से फुर्सत लेना पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी, मतलब उसको लर्न लेजर अर्थात विद्योपार्जन का अवकाश लेना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं। एवरी टीचर मस्ट हैव अ बीट ऑफ लर्न्ड लेजर। प्रत्येक शिक्षक को रखना चाहिए थोड़ा सा, अ बीट ऑफ मतलब थोड़ा सा, लर्न्ड लेजर मतलब विद्योपार्जन का अवकाश रखना चाहिए चाहे लेना चाहिए, दोनों मतलब होगा यहाँ पे। तो तीसरा हो गया लर्न्ड लेजर। फिर है लेबर पेन। लेबर पेन की हिंदी से आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे, प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा आप जानते हैं, जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है उस वक्त जो पीड़ा होती है वही प्रसव पीड़ा लेबर पेन कहते हैं। जितना पेन पहुंचता है एक लेडी को उतना कभी नहीं पहुंचता, हाँ कभी भी नहीं पहुंचता। तो यही है लेबर पेन टेस्ट्स टॉलरेंस पावर ऑफ वीमेन। लेबर पेन प्रसव पीड़ा एक औरत की सहन शक्ति को जांचती है। प्रसव पीड़ा एक औरत की सहन शक्ति को जांचती है। तो लेबर पेन बहुत इजी है। नाउ लेबिरिंथ। लेबिरिंथ मतलब भूल भुलैया। आप देखिए, आप बहुत से डायग्राम्स देखे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, और इधर से भी रास्ता है जाने का, रास्ता बना होगा, कटा हुआ होगा। अब बोलेगा आप इंटर करके दिखाओ, कहाँ से इंटर करोगे, कहाँ से लास्ट में पहुँचोगे। तो इस तरह का जो बना हुआ होता है इसको कहते हैं भूल भुलैया। आपको इधर से जाना है और पार्टिकुलर पाथ को फॉलो करना है और फिर इधर पहुंचना है, इसको लेबिरिंथ भूल भुलैया कहते हैं। तो नाउ अ डेज मतलब इन दिनों, चाहे आजकल, आजकल कह लीजिए इसको, इसको अब कह लीजिए, चाहे इन दिनों कह लीजिए। नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल, इन दिनों, अब। गेम्स हैविंग लेबिरिंथ आर इंटरेस्टिंग। खेल लेबरिंथ वाले रोचक हैं, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक हैं। आजकल लेबरिंथ वाले खेल रोचक हैं। मोबाइल पर गेम्स बहुत लोग खेलते हैं, तो लेबरिंथ वाला गेम्स बहुत अच्छा चल गया है, रोचक है। तो ये भूल भुलैया हो गया। तो हमारा आज का पांच जो हमने पढ़ा, लॉफिंग स्टॉक, हाँ मजाक की वस्तु, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, साथ में कॉम्प्लीमेंट जो कन्फ्यूज्ड वर्ड होता है इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी है लेफ्ट हैंडेड बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट की प्रशंसा के रूप में शिकायत, लर्न्ड लेजर विद्योपार्जन का अवकाश मतलब टीचर अवकाश लेते हैं कुछ नया सीखने के लिए, इसको बोलते हैं लर्न्ड लेजर। देन लेबर पेन, समझाने की जरूरत नहीं है। लेबिरिंथ, भूल भुलैया।